हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिंस कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, कल मैंने आपको पूछा था कि मैं न्यू जो टॉपिक्स हैं उन पे एमसीक्यूज बनाऊं या जो फिर टेस्ट सीरीज हमने अपनी ऐप पे लॉन्च की है उसके उसकी डिस्कशन करूं। तो कमेंट बॉक्स देखने पे मुझे पता चला कि मैक्सिमम स्टूडेंट चाहते हैं कि जो न्यूली एडिट टॉपिक्स हैं उसी पे एमसीक्यूज जो हैं वो मैं कंटिन्यू करूँ। तो अकॉर्डिंगली मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन ये भी बता दूँ कि जैसे ही अगर मेरे पास समय बचा, टाइम बचा, जैसे ही ये ख़त्म होंगे तो जो मॉक टेस्ट सीरीज़ हमने शुरू की है उस मॉक टेस्ट सीरीज़ के जो ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े आपको कंफ्यूजिंग लगे या प्रैक्टिकल टाइप थे उनके एमसीक्यूज़ भी मैं लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम इनकम टैक्स कर रहे थे, इनकम टैक्स पे एमसीक्यूज़ कर रहे थे, और जो कल का सेशन है, नेक्स्ट सेशन जो आएगा उसमें आप इनकम टैक्स पे ही एमसीक्यूज़ हम करेंगे, वो होगा रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, तो उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के एमसीक्यूज़ देख लें। सो फर्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इफ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इन द हेड्स ऑफ एसएससी वुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनमें से कौन सी इनकम है जो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं है लेकिन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी? ऑप्शंस आर ए, प्रॉपर्टी लेट ऑन हायर। अगर आपने कोई मकान किराए पे दिया तो आपको याद होगा जो हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो इनकम उसके अंदर टैक्सेबल होती है। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज बोथ एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में भी कई बार आता है, तो इसने कहा कि अगर वो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आती तो किस सोर्स में आएगी? वो आएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज ये आपका आएगा, आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, ए रिसीव्ड 75,000 फ्रॉम ए फ्रेंड एज ए गिफ्ट ऑन फ्रेंडशिप डे, सच रिसिप्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्या वो टैक्सेबल है या नहीं? ए को 75,000 रुपीज का गिफ्ट मिला, किससे मिला? फ्रेंड से मिला, तो हमें पूछा गया क्या वो टैक्सेबल है या नहीं। दोस्तों, फ्रेंड से अगर हमें कोई गिफ्ट मिलता है, सबसे पहले दो चीज़ें आप इसमें समझोगे कि फ्रेंड से कोई गिफ्ट मिलता है, हमें फ्रेंड से पैसा मिलता है, तो 50,000 से वो अमाउंट अगर कम होगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, 50,000 से ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी चीज़ कि शादी के वक्त अगर, ऑन द ओकेजन ऑफ नॉट फ्रेंडशिप डे, अगर शादी के वक्त गिफ्ट मिलेगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, यानी एग्जेम्प्टेड होगा। तो यहाँ पे गिफ्ट कब मिल रहा है भाई? फ्रेंडशिप डे। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है टैक्स में कि फ्रेंडशिप डे पे कोई गिफ्ट आपको मिले वो टैक्सेबल ना हो, वो बिल्कुल टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर जो फ्रेंडशिप डे पे फ्रेंड से गिफ्ट मिला और उसका अमाउंट भी 50,000 से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। सो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी शैल बी, देखिए इंडियन कंपनी, इंडिया से हमें कोई इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो वो एग्जेम्प्टेड होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। डिविडेंड मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रॉफिट का जब हिस्सा मिलता है कंपनी के प्रॉफिट का तो उसको डिविडेंड कहते हैं। तो अगर किसी फॉरेन कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है तो टैक्सेबल है, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला तो वो टैक्सेबल नहीं है। तो इस केस में बी इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज, अगर हमने मकान किराए पे दिया है, प्रॉपर्टी किराए पे दी है, तो वो इनकम किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, चार्जेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, चार्जेबल अंडर कैपिटल गेन। तो कोई भी प्रॉपर्टी हमने मकान किराए पे दिया है तो उसकी इनकम हम शो करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कहता है, एक मिनट, इस क्वेश्चन को इसमें मिस्टेक थी तो दोबारा यहां पे इसको टाइप किया गया है। एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनमें से कौन सी ऐसी इनकम है जो एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 के अंदर टैक्सेबल नहीं है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? ओरिजिनल वन टाइम गेन ड्राइव फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट, कोई कैपिटल एसेट है, कोई बिल्डिंग मशीनरी बेची उस पर जो गेन हुआ है एक वन टाइम गेन वो, या बी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीबीजीपी, और सम रिसीव्ड अंडर कीम इंश्योरेंस पॉलिसी नॉट अंडर द हेड सैलरी या पीजीपीपी। दोस्तों ये तीनों बी सी डी मेरे ख्याल से हमने लास्ट एमसीक्यू में भी इसको डिस्कस कर लिया था। तो इसमें ये तीनों जो हैं ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगी, लास्ट की तीनों,
ये जो है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आती, ये इनकम आती है अंडर द हेड कैपिटल गेन में। चलिए नेक्स्ट पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर किस हेड के अंडर, सॉरी किस सेक्शन के अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है वो टैक्सेबल है, तो ये सेक्शंस आपको खुद याद रखनी है, अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 आपको याद रखना है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इस हेड के अंदर, इस सेक्शन के अंदर टैक्सेबल है। नेक्स्ट इज, मिस्टर के हैज रिसीव्ड ए सम रुपीज 51,000 ऑन 24/10/2019 फ्रॉम रिलेटिव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। तो शादी के वक्त उसको 51,000 का गिफ्ट मिला, तो उसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट है? एंटायर रुपीज 51,000 इज चार्जेबल टू टैक्स, ओनली 1,000 इज चार्जेबल टू टैक्स, एंटायर रुपीज 51,000 इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ओनली 50% दैट इज 25,500 इज चार्जेबल टू टैक्स। दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि अगर शादी के वक्त गिफ्ट मिलेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगता, तो यहाँ पर पूरा का पूरा 51,000 जो है वो एग्जेम्प्टेड होगा। सो आंसर वुड बी सी, एंटायर 51,000 इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, शादी के वक्त आपको जो गिफ्ट मिला उस पर टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट इज, जियोस प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड सर्टेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स एम्प्लॉइज टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, सच रिसिप्ट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। उसको प्रोविडेंट फंड से कुछ अमाउंट मिला, कुछ कंट्रीब्यूशन मिला, और ये जो कंट्रीब्यूशन था ये प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन के अंदर टैक्सेबल नहीं है। सच कंट्रीब्यूशन वुड बी, ये किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? अगर ये पीबीजीपी के अंदर नहीं आ रहा तो ये किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? ए, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बी, नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दोस्तों अगर ये कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोविडेंट फंड अगर ये पीबीजीपी में नहीं आता, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं होता, तो फिर ये किस में टैक्सेबल होगा? ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नेक्स्ट इज, ए रिसीव्ड 75,000 फ्रॉम गिफ्ट, ये तो हम कर चुके हैं, चलिए स्किप करते हैं इसको। साइमा हैज रिसीव्ड ए सम रुपीज 75,000, साइमा को अपने फ्रेंड से 75,000 मिला, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ हर मैरिज, मैरिज के वक्त मिला। तो अभी हमने डिस्कस किया कि शादी के वक्त अगर कोई भी गिफ्ट मिले तो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। सो यहाँ पे भी सेम केस कि पूरा का पूरा 75,000 जो है वो एग्जेम्प्टेड होगा। द अमाउंट डिडक्टेबल फ्रॉम फैमिली पेंशन इज अप टू, फैमिली पेंशन से हम कितना अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा रहा हूँ मैं। तो फैमिली पेंशन जो है उसमें से कितनी हमें डिडक्शन मिलती है? ऑप्शंस आर ए 15,000 और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन विच एवर इज लेस, बी 15,000 और 1/2 ऑफ फैमिली पेंशन विच एवर इज लेस, सी 10,000 और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन विच एवर इज लेस, और डी नन ऑफ दीज, इसको नन ऑफ दीज कर लो। तो यहाँ पर जो फैमिली पेंशन है उसमें कितनी डिडक्शन है, ये लास्ट जो सेशन था उसमें भी आया था ऐसा, उसमें मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया था कितनी डिडक्शन है, कितनी छूट है, 15,000 या जितनी फैमिली पेंशन मिल रही है उसका 1/3, दोनों में से जो कम होगा वो टैक्स में छूट हो जाएगी। नेक्स्ट इज, सुशांत हैज टेकन ए हाउस ऑन रेंट एंड सबलेट द सेम, सुशांत ने क्या किया, एक मकान किराए पे लिया और फिर आगे उसको किराए पे दे दिया, तो उसकी जो इनकम है किस हेड के अंडर टैक्सेबल होगी ये पूछा गया है। ए, इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, सॉरी ए ये है, ऑप्शन ये है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होगा, बिजनेस इनकम या नन ऑफ द अबव। दोस्तों अगर आप कोई मकान किराए पे लेके आगे उसको किराए पे देते हो तो वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तब मानी जाती है जब आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो, जब आप उस प्रॉपर्टी के ओनर होते हो और वो आपको आपको कोई रेंट मिल रहा है, तब वो आपकी इनकम जो है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाई जाएगी। तो अगर आप कोई मकान किराए पे लेके आगे किसी को किराए पे देते हो उस केस में वो आपकी इनकम अंडर द हेड हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होगी। टैक्स जरूर लगेगा लेकिन वो अंडर द हेड लगेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो याद रखना है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम उसी को टैक्सेबल है जो उस मकान का या उस प्रॉपर्टी का ओनर हो। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, अगर हमने कोई मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर किराए पे दिया है तो इसकी जो इनकम है ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। वो प्रॉफिट एंड गेन्स जो हेड है पीबीजीपी इसके अंदर टैक्सेबल होगी, बिल्कुल हो सकती है, ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर भी टैक्सेबल हो सकती है, तो दोनों में हो सकती है। तो अब सी पढ़ते हैं, चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ओनली इफ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। अगर हमने उस इनकम को प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में नहीं दिखाया
तब वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम उसको दिखा सकते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज गणेश रिसीव्ड रुपीज 60,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे। अब गणेश को 60,000 रुपये उसके फ्रेंड से मिला, कब? उसका बर्थडे था भाई। बर्थडे पे कोई भी गिफ्ट मिले वो टैक्सेबल है, लेकिन कंडीशन ये है कि फ्रेंड से अगर मिलता तो 50,000 से ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए। तो उसको कितना मिला? 60,000। इट मीन्स ये पूरा का पूरा 60,000 जो है टैक्सेबल हो जाएगा। तो कहाँ ऑप्शन ये है, द एंटायर अमाउंट ऑफ रुपीज 60,000 इज टैक्सेबल। सिर्फ शादी के वक्त गिफ्ट एग्जेम्प्टेड है, या फिर अगर आपको फ्रेंड से 50,000 से कम का अमाउंट मिलता है तो वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन 50,000 से ज़्यादा आपके फ्रेंड से आपको फ्रेंड से मिल रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस केस में गणेश को जो गिफ्ट मिला ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे वो पूरा का पूरा 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये थे। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि कल से जो मैं MCQs लेके आने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे MCQs इसमें से बन सकते हैं, लेकिन मैं अब कोशिश करने वाला हूँ कि जो MCQs मैं कल से लाऊँ वो ऐसे मैं MCQs लेके आऊँ फिल्टर करके जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में ये ऐसे वाले MCQs आ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वैसे MCQs आपके लिए बना सकूँ। तो वेट करें कल के लेक्चर का, उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस के जो MCQs हैं मैं वो डिस्कस करूँगा। फिर दो दो चैप्टर के मैं एक साथ MCQs लाऊंगा, क्योंकि अभी कॉस्ट अकाउंटिंग भी करना है, बाकी टॉपिक्स भी हैं, तो जल्दी से सबमिटने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं आपके लिए ऐसे MCQs लाने वाला हूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी है, जो पूछे जा सकते हैं। पूछे जाएंगे नहीं जाएंगे ये आपकी किस्मत है, मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि ऐसे MCQs लेके आऊँ जो एग्ज़ाम में जिनकी पॉसिबिलिटी भी हो पूछने की। तो वेट करें कल का। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।